हेलो दोस्तों, ये जो सॉल्व है ये यूपी टेट 2019 का पेपर वन है और जो सॉल्व होगा वो हम इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। तो पहला जो सॉल्व है ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सॉल्व करेंगे और जो भी सॉल्व होगा सारे इंग्लिश में होंगे, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। 1853 इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन्स बिटवीन, दैट आंसर इज बॉम्बे टू थाने। एशिया लार्जेस्ट कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज एट सोनपुर। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1961। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी आर मेंशन। राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में मेंशन है? तो वो आर्टिकल्स 14 to 18 है। विच कंट्री हैज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल है? वो है यूनाइटेड किंगडम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रेंडियर आर फाउंड। रेंडियर किस रीजन में फाउंड होता है? वो है आपका टुंड्रा रीजन में। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रास लैंड। ग्रास लैंड कहाँ पर नहीं है? दैट इज द कंपास। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। वेयर डज थारू ट्राइब लिव्स इन इंडिया। थारू ट्राइब्स कहाँ पे रहते हैं? तो तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। भिलाई स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन। भिलाई जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज अवेलेबल इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया है। इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट वन मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ। कितनी एज होनी चाहिए गवर्नर के लिए किसी भी स्टेट के लिए? तो 35 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट, चूज द राइट कोड फॉर कंपेयरिंग लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। इंडियन यूनियन ये आपका प्राइम मिनिस्टर, स्टेट आपका गवर्नर, कॉरपोरेशन आपका मेयर, विलेज पंचायत आपका सरपंच, और जिस ये आपका ए से आपका आंसर टू आ रहा है। व्हेन एंड वेयर आर्टिकल 356 वाज यूज्ड फर्स्ट, कहाँ पर सबसे पहले यूज्ड हुआ था? वो है केरला 1959 में। विच टैक्स कैन बी इम्पोस्ड बाय नगर निगम। नगर निगम कौन से टैक्स इम्पोस्ट करते हैं? ऑल ऑफ द अबव, जितने हाउस टैक्स, टोल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, सब नगर निगम में आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ये आपका आंसर एकॉर्निया क्रैसी सेप्स है, जिसे आप वाटर हायासिन भी कहते हैं। द एबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस इज एबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस इज इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज इथाइलिन। फ्री लिविंग एंड एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन सॉइल इज क्लॉस्ट्रिडियम। विच टाइप ऑफ डीएनए इज कॉमनली फाउंड इन साइड द सेल? बी डीएनए। विच इज दिस एग्जाम्पल ऑफ सेसाइल एनिमल अमंग फॉलोइंग? यू क्लेक्टेला। यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज अमीनो एसिड। विच ऑर्गेनल इज एबसेंट इन प्लांट सेल? प्लांट सेल में कौन सा एबसेंट होता है? दैट इज सेंट्रोसोम। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज सारस क्रेन। हेमलेट इज एसोसिएटेड विथ विच सेटलमेंट? रूरल। विच इज वेलकैनो माउंटेन? वेलकैनो माउंटेन इज किलीमंजारो। एलिफेंटा आइलैंड इज लोकेटेड एट मुंबई कोस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज 70 to 200 centimeter। कर्बी एंगलोंग प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये इस सेशन में हमने
इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हमारा वो किसी दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो पहुँच पाए। थैंक यू।